हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे संस्था में बीपीएससी और बिहार द्रोह का क्लास चल रहा है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। और हमारे संस्था जो है पटना का मुसलमपुर हाट में है। और आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो भारत का भूगोल, यानी भूगोल जैसे आप देखेंगे बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों में सिलेबस में आप लोग को भारत का भूगोल देखने को मिलेगा। भारत का भूगोल मिलेगा और भारत का भूगोल में आपको सबसे पहले समान पर्चे ही स्टार्ट होता है। आप कहीं भी देखेंगे ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण पाठ होगा, क्योंकि आप यहीं जान जाएंगे कि हमारे भारत में क्या क्या है और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पर्चे में आपको बहुत, जैसे आप कहते हैं लोग ना कि अपने बारे में पर्चे बताएं, तो आपके पर्चे से ही लोग पूरी तरह से जान जाते हैं कि आप क्या हैं नहीं हैं। इसी तरह से ये हमारे भारत का भूगोल का पर्चे है। इससे पहले अगर हम आपको बताएं तो आप लोग अगर आप भूगोल पढ़ते हैं या भूगोल बीपीएससी बिहार दुर्गा किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो आपके पास भूगोल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके रूम में मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके रूम में मैप होना चाहिए। अगर बीपीएससी आप देते हैं तो आपको बीपीएससी के लिए पहला आपका भारत का भूगोल का मैप होना चाहिए, दूसरा हो जाएगा बिहार का और तीसरा वर्ल्ड का। और अगर हम भारत के भूगोल से बीपीएससी में बात करें तो लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 क्वेश्चन भारत के भूगोल से। और दूसरी बात कि आप लोग के पास एटलस होना चाहिए, हर स्टूडेंट के पास एटलस होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही निश्चित है कि आपके पास एटलस होना ही होना चाहिए। और दरोगा में अगर आप देखें दरोगा में बिहार का भारत का भूगोल या वर्ल्ड भूगोल या मेरे पूरे भूगोल का ही बात करें तो वहाँ भी आपको लगभग 15 से 20 देखने को प्रश्न मिलेगा। और बीपीएससी में तो इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे 62 से पहले लगभग 12-13 पूछता था, लेकिन 62 के बाद से धीरे धीरे करेंट से ले कर जोड़ते हुए 20 से 22 तक कर दिया है भूगोल जो भी है। और इसमें आपको भारत का भूगोल से 10 प्रश्न होगा। और सबसे बात पहली है कि भारत का परिचय जो है ना, भारत का भूगोल का परिचय, इससे आपको हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को एक या दो जरूर मिलेगा। क्योंकि आपके अगर जैसे एग्जामिनर का यही होता है कि आप भूगोल जानते हैं तो कैसे जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, तो परिचय से एक आध प्रश्न हो ही जाता है। और दूसरी बात कि अगर आप लोग को हमारे क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बने कि हम आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो हम देखते हैं मैप से पहले समझते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे भारत का मैप है, एकदम प्लेन है। ये जो हमारा मैप है भारत का मैप है। और इसी तरह से एक और मैप है। सबसे पहले आपको अगर भूगोल पढ़ना है तो भूगोल दो टाइप का पढ़ा जाता है। भूगोल कितने टाइप से पढ़ा जाता है? दो टाइप से। एक होता है राजनीतिक भूगोल और दूसरा होता है प्राकृतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आप देखेंगे तो हम राजनीतिक भूगोल का मैप आप लोग को दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं राजनीतिक भूगोल का मैप है, जिसमें राजनीतिक भूगोल का मतलब होता है कि आपको देश या राज्य से सीमा निर्धारित किया जाएगा। और राजनीतिक भूगोल में होता है सड़क होता है, नहर होता है, रेलवे लाइन, ये सब जो भी होता है राजनीतिक भूगोल में होता है। और अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक भूगोल में, तो प्राकृतिक भूगोल में आपको मिलेगा नदी, पर्वत, झरना, मैदान, पठार, पहाड़, ये जो भी है आपको मिलेगा देखने को प्राकृतिक भूगोल में। तो हम देखते हैं भारत का भूगोल, तो मैप से आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे जो आप मैप देख रहे हैं क्या है, भारत का भूगोल का है। आप ये देख रहे हैं भारत का है, तो हम सबसे पहले भारत का स्थिति देखते हैं कि कहाँ है। तो आते हैं पृथ्वी पर या गोलार्ध पर। तो आप ये देखेंगे कि इस टाइप से आपका क्या है, गोलार्ध है। गोलार्ध किस टाइप से? इस टाइप से है। इसके मध्य से देखेंगे तो आपको एक 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एक मिनट और हम इधर करते हैं, शायद आप लोगों को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा या कैमरा हमारे जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। जैसे आप हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। इसके मध्य से आप देखेंगे तो एक 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। क्या गुजरता है? 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा। इसका नाम एक और है भूमध्य रेखा।
ये हमारा 0 डिग्री का चांस हो गया। अगर 0 डिग्री के नीचे आप आते हैं, जैसे इस भाग में आप आते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। इसे हम दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। और अगर 0 डिग्री से ऊपर आप जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। तो हम देखते अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार, तो आप देखेंगे अक्षांशीय दृष्टि से तो आप देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है, आप गोलार्ध में देखेंगे तो भारत लगभग आपको यहाँ मिलेगा। तो अक्षांशीय दृष्टि से हम बात करें तो भारत कहाँ है, उत्तर उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इस तरह से आप देखेंगे अक्षांशों की संख्या तो लगभग आपको 181 मिलेगा। 181 कैसे होगा हम आपको बताते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह के, तो आपको ध्रुवीय 90 डिग्री ध्रुवीय मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और इस भाग में आप यहाँ देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये दोनों रेखा को मिलाने वाला एक रेखा होता है जिसे हम बोलते हैं, ये जो आपको है इसे देखेंगे तो ये मिलाता है पूरे पूरे, ये 0 डिग्री अक्षांश को 90 डिग्री पर काटता है, जिसे हम बोलते हैं देशांतर। इस भाग को क्या बोलते हैं, हम देशांतर बोलते हैं। और ये जो हम आपको बोल रहे थे कि 181 अक्षांश है, तो आप अगर इस 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश को छोड़ देंगे और ये दक्षिणी अक्षांश को छोड़ के, और अगर आप भूमध्य रेखा को छोड़ते हैं, तो आपको अक्षांश का संख्या कहीं कहीं आपको मिलेगा 178। अगर ये तीनों को आप जोड़ते हैं तो 181 होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि 181 कैसे हुआ। और हम अब देख रहे हैं देशांतर में, तो आप ये देख रहे हैं जो ये दोनों ध्रुवों को जो मिला रहा है उत्तरी और दक्षिणी को, इसे हम बोलते हैं देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर है, और इसके 0 डिग्री के अगर हम बाईं ओर आते हैं तो इसे हम पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, और इसे हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या है, पूर्वी देशांतर। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये भारत है, ये हमारे उत्तर अक्षांश से देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर देखेंगे, देशांतर में हमारा है पूर्वी देशांतर में। तो इसलिए आपको कहीं प्रश्न अगर पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो आपके लिए आंसर होगा। तो ये हम गोलार्ध से मैप से देख लिए, अब हम देखते हैं मैप से। तो ये हमारा भारत का मैप है। इससे पहले अगर हम बात करें कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में भारत स्थित है। और इसके बाद हम भारत के चौहद्दी देखते हैं, तो चौहद्दी में आप देखेंगे तो चौहद्दी में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा। ये जो हमारा भारत का चौहद्दी है, तो मरुस्थल भी हो सकता है। अगर हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम चौहद्दी की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप इस भाग में देखेंगे पूरे उत्तर में, और उत्तर से पूर्व तक आएंगे तो आपको हिमालय मिलेगा। हमारे भारत के चौहद्दी में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम उत्तर में आपको मरुस्थल हो जाएगा, और उत्तर में भी हिमालय है और उत्तर पूर्व में भी हिमालय है। ये उत्तर पूर्व है, इस ये भी हिमालय ही है हमारे भारत के। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण पश्चिम में, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम भाग ये है, तो इसे ये हमारे दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। और हम आते हैं दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी हो गया। और सबसे दक्षिण में आप आएंगे तो सबसे दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये आप तो मैप से देख लिए। और जब हम राजनीतिक पढ़ेंगे तो राजनीतिक में चौहद्दी में हम देश देखेंगे या कौन सा क्या है। तो अब आगे हम आते हैं,
हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? और हमारा एक जो भारत जो एक विशाल देश था, और विशाल देश को बोल क्या बोलते थे? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय भारतीय उप महाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में देश की संख्या कितना है? 7 है। और हम देखते हैं 7 में कौन है, तो आप देखेंगे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इसके बाद आप देखेंगे तो बांग्लादेश है। पहला आप देख लिए भारत, दूसरा आप देखेंगे तो पाकिस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा आप देखेंगे नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसके बाद आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और सबसे नीचे आप आएंगे तो हो जाएगा श्रीलंका। ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या 7 थी। जैसे आप देखेंगे, पहला आप देखेंगे तो भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा आपका भूटान हो जाएगा, इसी तरह से पांचवा आपका हो जाएगा म्यांमार, और छठा आप देखेंगे तो हो जाएगा बांग्लादेश, और सातवां आप देखेंगे तो हो जाएगा श्रीलंका। तो हम भारतीय महाद्वीप के बारे में जान गए, उसका दशांशीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार देखें। अब हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल पर हम अगर बात करते हैं तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल हो गया। आकार में अगर हम बात करते हैं, भारत का आकार कैसा है, सॉरी आकृति, आकृति आप देखेंगे तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, आप मैप से देख सकते हैं। आप देखें हमारे मैप है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये चतुष्कोणीय है, या इसे त्रिभुजकार, त्रिभुजकार भी बोलते हैं। ये हमारे मैप से हो गया। अब हम देखते हैं आकार और आकृति देखते हैं जनसंख्या पर और क्षेत्रफल से, दोनों से पूरे विश्व में। तो हम आकार देखते हैं विश्व में, तो आप आकार में देखेंगे और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सातवां है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां स्थान पर है भारत। इससे पहले अगर हम बात करें 6 देशों की, तो हो जाएगा आपका पहला पर हो जाएगा रूस, दूसरा पर आपका हो जाएगा कनाडा, तीसरा आप देखेंगे तो हो जाएगा चीन, कहीं पर आपको चीन और कहीं यूएसए भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आपका हो जाएगा चीन, चौथा देखेंगे तो यूएसए है, पांचवा देखेंगे तो आपका हो जाएगा ब्राजील, और छठा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये जो प्रश्न आपका देख रहे हैं सातवां स्थान, ये बहुत बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। तो हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौनवां स्थान है? सातवां स्थान है। इससे पहले आप पहला जो देखेंगे रूस है, दूसरा आपका कनाडा हो जाएगा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा आपका ब्राजील है, और छठा आपका ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या की दृष्टि में हम देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि में आप देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। कहवा है? दूसरा है। पहला पर अगर हम बात करें तो पहला पर चीन है। इसी तरह से अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो प्रतिशत में हम देखते हैं तो पूरे विश्व में अगर आप प्रतिशत का बात करते हैं भारत के पास कितना है, तो 2.42% लगभग है, इतना क्षेत्रफल हमारे भारत के पास है। और जनसंख्या में कितना है 2011 के जनसंख्या के अनुसार, कौन सा 2011 के जनसंख्या के अनुसार हमारे पास कितना है जनसंख्या, तो 17.5%। ये हमारे जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। अब हम देखते हैं अगर राज्य के बात करें तो
तो हमारे देश में राज्य कितना है? तो राज्य अगर हम बात करते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 28 राज्य है भारत में। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो आपका होगा, सॉरी 8 होगा। ये हमारे राज्यों का संख्या हो गया। हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब हम मैप से देखते हैं, ये हमारा जो मैप है भारत का राजनीतिक मैप है। आप देख रहे हैं जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा आप देख रहे हैं इस टाइप से जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटता है, यानी बराबर दो भागों में बांटता है। और कर्क रेखा के उत्तर में आएंगे तो इसे हम बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, सॉरी शीतोष्ण नहीं होगा, उपोष्ण होगा, उपोष्ण कटिबंध है। और दक्षिण में आएंगे, अगर कर्क रेखा के दक्षिण में आप आएंगे तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। दक्षिण के भाग को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और उत्तर भाग का क्या बोलते हैं? उपोष्ण बोलते हैं। ये हमारा उपोष्ण कटिबंध है। और ये जो कर्क रेखा है भारत कितनों राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्य से? तो 8 राज्य से। अगर हम राज्य को देखते हैं तो आप ये देखेंगे राज्य पहला हो जाता है गुजरात, यहाँ देखेंगे तीसरा राजस्थान, चौथा आपका मध्य प्रदेश है, पांचवा आपका छत्तीसगढ़ है, छठा आपका हो जाएगा झारखंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सॉरी पांचवा आपका झारखंड होगा और छठा आपका होगा पश्चिम बंगाल, सातवा हो जाएगा आपका त्रिपुरा और आठवा हो जाएगा मिजोरम। तो कितने राज्यों की संख्या हो गया? 8 राज्यों की संख्या हो गया। पहला आप देखें, और इस तरह से आप सीक्वेंस में भी पूछा हुआ है कि राज्यों की संख्या उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, इस तरह से। अगर आप पश्चिम से पूर्व पूछता है तो सबसे पहले आप देखेंगे राजस्थान है, सॉरी गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद आप देखेंगे चौथा नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और पाँचवा नंबर पर आपको मिल जाएगा झारखंड, और छठा नंबर पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, और सातवां पर त्रिपुरा है, और आठवां पर आपको मिल जाएगा मिजोरम। ये हमारे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या हो गया। इसके बाद हम ये आप जो देख रहे हैं लंबी लाइन आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मानक समय या प्रधान रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? मानक समय। ये मानक समय है, और मानक समय जो है ये आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारे 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद की नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। और राज्य की अगर हम बात करते हैं 5 राज्यों से गुजरता है, तो पहला आप देखेंगे हो जाएगा यूपी, दूसरा आप देख रहे हैं हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा आप ये देख रहे हैं जो है छत्तीसगढ़, और चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये हमारे कर्क रेखा और मानक समय हो गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि भारत के लंबाई देखते हैं कितना है, किस दिशा में। थोड़ा मैप ले लेते हैं, ये हमारे भारत का मैप है। इसमें अगर हम लंबाई की बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, ये आप देखेंगे हमारे जो है उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई हो जाता है लगभग 3300,
14 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है तो 3314 किलोमीटर। और ये जो आप उत्तर में देख रहे हैं लद्दाख है, लद्दाख से लेके आपका जो उत्तर का दक्षिण का लंबाई है कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक का आपका लंबाई हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम यहाँ तक, अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की हम बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये हमारा होगा पश्चिम से पूर्व की लंबाई। यानी ये हमारा जो राज्य, ये जो आप देख रहे हैं गुजरात है, गुजरात से लेके ये आप जो देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश की अगर लंबाई पश्चिम से पूर्व हम बात करें तो हमारा हो जाता है 2933 किलोमीटर। इस तरह से अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, हम देखते हैं कितना है, तो मैप से आप देखेंगे तो ये हमारा कौन सा है, लद्दाख है, जो सबसे उत्तर में है। अगर इसका हम अक्षांशीय विस्तार देखें उत्तर में तो ये हो जाएगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है और लद्दाख का सबसे उत्तरी छोर है। इसे सबसे उत्तरी छोर को हम एक इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल जो स्थित है लद्दाख में है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में मुख्य भूमि से आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा इसका विस्तार जो अक्षांशीय दृष्टि से, तो इसका आप देखेंगे तो 8 डिग्री और यहाँ हो जाएगा आपका 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट होगा। इसी तरह से ये हमारा हो गया उत्तरी अक्षांश का हो गया 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे पश्चिम में ये जो है इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर होगा। और सबसे पश्चिमी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गोर मोती, गुहार मोती, और ये हमारा गुजरात में है। और सबसे फिर पूरब में हम देखते हैं तो ये हमारा जो यहाँ पर है इसका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसे हम पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर को हम के जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा जो आप राज देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में ही हमारे सबसे पूर्वी बिंदु है जो उसे हम बोलते हैं किबूती, क्या बोलते हैं किबूती, सबसे पूर्वी बिंदु है ये हमारे देश का पूर्वी बिंदु है ये। इसी तरह से आप सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से देखेंगे तो आपको ये कन्याकुमारी होगा, ये हमारे मुख्य भूमि से है। इसी तरह से आप ये जो देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ये हमारा अंडमान निकोबार है जो आप देख रहे हैं। और इसके सबसे दक्षिणी छोर का हम अगर पूरे भारत के दक्षिणी छोर के बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 6 मिनट 4 5 यानी 6 डिग्री 45 मिनट ये हमारे दक्षिणी बिंदु। और इसे हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, इसे भी हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो अंडमान निकोबार है जो भूमध्य रेखा से कितना दूर है तो 876 किलोमीटर, कितना 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूर है हमारे मुख्य अंडमान निकोबार जो है। इस तरह से आप ये देखें हमारे हो गया मुख्य भूमि। और यहाँ पे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी छोर की हम बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट है, और ये हमारा कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। इसी तरह से ये तो हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था जो जिसका नाम है अंडमान निकोबार। इसी तरह से आप जो ये देख रहे हैं ये भाग जो है ये अरब, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, अरब सागर। और अरब सागर में हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कुछ समुद्री लंबाई, देखते हैं स्थलीय सीमा। और आपको जो ये समान परिचय देख रहे हैं इसमें आपको लगभग 3-4 एपिसोड में मिलेगा। ये हमारा पहला क्लास था, और अगला क्लास में आप देखेंगे कि स्थलीय सीमा कितना है, लंबा है, जलीय सीमा या फिर द्वीपीय, पूरा कुल मिला के होगा। तो आप देखने देखा अगले एपिसोड में आपको मिलेगा। आज का यही हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।